हाँ जी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कॉमन फ्रेजेज दैट आर यूज्ड इन इंग्लिश मूवीज. स्पेशली व्हेन यू आर वाचिंग अ मूवी यू विल फाइंड ऑल दीज सेंटेंसेस देयर, एंड समटाइम्स वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड देम. सो आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट देम इन उर्दू हिंदी फॉर योर कन्वीनियंस. मुझ पर रोब मत डालो, डोंट सैस मी. अब सास जो है, सास से जी याद रखें, सास जो है बड़ी खतरनाक सी होती हैं. तो डोंट सैस मी, डोंट सैस मी, सवाल ही पैदा नहीं होता. कोई आपसे कोई काम कहता है कि तुम इस तरह करो, वहाँ चले जाओ, कहेंगे सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे वहाँ जाने का. तो ऐसी जगह पे आप यूज़ करते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन. मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है. और ये आपको अक्सर मूवीज में नजर आएगा, माई पेशेंस इज वेयरिंग थिन, माई पेशेंस इज वेयरिंग थिन. तुम क्या कहना चाह रहे हो, वट आर यू गेटिंग एट, वट आर यू गेटिंग एट. अगर मेरे बस में होता, आगे आप कोई भी जुमला लगा लें, इफ आई हैड माई ब्रदर्स, इफ आई हैड माई ब्रदर्स, तो क्या होगा. तो मैं आपके लिए एक क्या लाता, कुछ भी ले आता. तो जो भी आगे जुमला आप लगाना चाहें. बाज दफा आप ये कहते हैं कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं वो लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा. तो आप बोलेंगे आई वोंट बिलोंग, आई वोंट बिलोंग. मैं इस दुख में आपके साथ हूँ. जब कोई बंदा तकलीफ में हो, परेशानी में हो, और आप कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका सहारा हूँ, तो आप कहते हैं आई हैव गॉट योर बैक. ये हैव को हम शॉर्ट करके बोलेंगे आई 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 हैव गॉट योर बैक, यानी आई हैव गॉट योर बैक, आई हैव गॉट योर बैक, आई हैव गॉट योर बैक. कोई अगर मगर नहीं, नो इफ्स एंड बट, नो इफ्स एंड बट. ये भी कोई पूछने की बात है. जब आप किसी को ये कहते हैं कि कोई कहता है मैं आपका पेन ले लूं, अच्छा क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, या क्या मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकता हूँ, तो आप कहते हैं ना कि कोई जी हाँ ज़रूर ज़रूर. ये भी कोई पूछने की बात है. तो वहाँ पे आप कहते हैं बी माई गेस्ट. बी माई गेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आ जाए मेरे घर में मेहमान बन जाए. इट मीन्स के जी हाँ ज़रूर, जो भी आप पूछ रहे हैं इस्तेमाल कीजिए, लीजिए. ये भी कोई पूछने की बात है, बी माई गेस्ट.